जैसे जैसे यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रधान पत्र बीडीसी पंचायत चुनाव के उम्मीदवार प्रत्याशी अब मतदाताओं को रिझाने के लिए गांव-गांव, गली कूचे और घर घर जाकर दस्तक देते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जिसमें जनपद मैनपुरी के विकास खंड किशनी क्षेत्र के ग्राम सभा आसरा के गोकुलपुर में यह सब देखने को मिल रहा है। यहाँ के जाने माने हरेंद्र कुमार के करीबी रहे प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ राजा बाबू अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं मतदाताओं के समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। जहाँ प्रत्याशी चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, वे सभी मतदाताओं के पैर छू रहे हैं, मतदाताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तस्वीरों में महिला प्रत्याशी महिलाओं से मिलकर मुझे ही वोट देना भैया, मुझे ही वोट देना और एक बार सेवा का मौका दे, यह कहती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? राम रतन। किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? अच्छा, अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें हर प्रत्याशी आपके घर घर घूम रहा है, अपने हित में वोट मांगने की बात कर रहा है, कोई चुना है आपने प्रत्याशी, किस तरह का होना चाहिए? चुना है कौन? कैस राजेश बाबू। किस तरह का प्रतिनिधित्व है उनका? और उसका ईमानदार है जी, काम विकास अच्छा करेगा। पंचायत ग्राम पंचायत अरसारा जी, प्रत्याशी का नाम है राजेश सनोर राम सिंह। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं? मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा रहा हूँ। अगर आप जीत जाएंगे तो किस तरह का विकास कराएंगे? मैं जीत जाऊंगा तो अच्छा विकास कराऊंगा और गरीब हैं जो लाचार हैं उनकी मदद करूंगा, और जो जो भी काम अब तक नहीं हुआ है वो मैं कराऊंगा। कृष्ण मुरारी, किस ग्राम पंचायत के रहने वाले हो? सारा ग्राम पंचायत। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, किस तरह का आपको प्रधान चाहिए? हमें ईमानदार प्रधान चाहिए और गरीबों को सुनने वाला हो और मौजे के अंदर झगड़ा झूठे झगड़ा झंटा ना करवाए और अच्छा विकास करवाए और गरीबों को लेकर के उनकी मदद करे और झगड़ा झंटे को अपने यहीं पर सुलझाए, थाने तक न जाने दे, हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, तो ऐसा कोई प्रत्याशी है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में ऐसा प्रत्याशी गोकुलपुर में राजेश बाबू हैं, जिन्हों हम लोगों ने उनको टिकट दिलवाया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।